तो ये है एक ब्लूटूथ स्पीकर जिसको डॉगी स्टाइल में बनाया गया है और इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और जानेंगे इस स्पीकर में क्या है खास और क्या है बकवास। तो मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक सब कुछ चैनल। चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इस बॉक्स में हमें ऊपर की साइड में MRP मिलती है 2899 रुपये, बट ये स्पीकर इतने का नहीं मिलता है। अब इस बॉक्स के साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर की स्पेसिफिकेशन को बताया गया है जिसको आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसमें खास फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें 10 वॉट का स्पीकर दिया गया है और ये स्पीकर 3 कलर वेरियंट में आता है, वाइट, ब्लैक और रेड, जो कि हमारे पास आ गया है। तो चलिए अब इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें ऊपर की साइड में स्पीकर देखने को मिलता है जिसको निकाल कर हम साइड में भी रख लेते हैं और बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट और देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें इसमें छोटी सी यूज़र मैनुअल मिलती है, 3.5 mm ऑक्स केबल मिलती है जिसकी क्वालिटी काफ़ी घटिया है और USB 2 micro USB केबल मिलती है। तो इन दोनों ही केबल्स की क्वालिटी काफ़ी घटिया मिलती है यहाँ पर। तो चलिए सबको साइड में रख कर स्पीकर देख लेते हैं। स्पीकर की लुक काफ़ी यूनिक है और ये एक स्मार्ट डॉग है जिसको गॉगल्स पहनाए हुए हैं। ऊपर की ओर इसमें टच सेंसिटिव बटन मिलते हैं जिनसे आप 1 टैप में ट्रैक को नेक्स्ट या बैक कर सकते हैं और इसको होल्ड करने पर वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बैक साइड में स्पीकर दिया गया है जो कि 10 वॉट का स्पीकर है, मैंने आपको बता ही दिया है। और सामने की तरफ इसमें स्पीकर नहीं है, ये सिर्फ आपको लुक के लिए दिया गया है। और नीचे इसमें चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है, माइक्रोएसडी कार्ड मिल जाता है, 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है और साथ में एक छोटा सा बटन मिलता है जिसकी मदद से आप ब्लूटूथ से SD कार्ड में स्विच कर सकते हैं। तो इसको अब ऑन करके देख लेते हैं। तो ऑन ये हो गया है तो आप देख सकते हैं कि सामने की ओर इसमें एक ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है जो कि ऑन होने का इसमें पता चल जाता है और साथ में एक और लाइट है वो रेड कलर की है, जब वो चार्जिंग करेंगे तो रेड कलर की लाइट उसमें ब्लिंक करेगी। तो स्पीकर ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी इसका 50% साउंड कर दिया है पहले। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये स्पीकर लाउड साउंड पर भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है, जैसे कि बाकी स्पीकर अपने लाउड साउंड पर इधर उधर भटकने लग जाते हैं, बट ये स्पीकर बिल्कुल भी नहीं जाता है। और इसका बेस भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि हम लोगों को पसंद आता है। इस स्पीकर में हमें 10 वॉट का स्पीकर मिलता है और जो कि एक स्मॉल रूम के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें ब्लूटूथ 4.1 का इस्तेमाल किया है जिसको आप कनेक्ट कर अपने फ़ोन से गाने प्ले कर सकते हैं। इसमें 4000 mAh की रिचार्जेबल बैटरी मिलती है जो कि 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और इसको अगर आप फुल साउंड पर प्ले करते हैं, यानी कि आप इसमें फुल साउंड पर सॉन्ग चलाते हैं, तो ये आपको 5 से 6 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक खास बात यह है कि इस स्पीकर में अगर आपने अपने फ़ोन से सॉन्ग को पॉज कर दिया है या आप इसको ऑफ करना भूल गए हैं तो ये स्पीकर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अब इसकी कुछ खामियों की बात करें तो इसमें हमें कोई भी कॉल रिसीवर नहीं मिलता है। सेकंड, इसमें हमें बैटरी लेवल भी नहीं पता चलता है और ये स्पीकर वाटरप्रूफ भी नहीं है और ना ही इसमें कोई वॉइस असिस्टेंट आपको देखने को मिलता है। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्पीकर का प्राइस काफ़ी वेरी होता रहता है, मतलब कि ऊपर नीचे इसमें होता रहता है, कभी आपको फ्लिपकार्ट पर ज़्यादा मिलेगा या अमेजन पर आपको कम मिलेगा। तो इस तरीके से इसका प्राइस काफ़ी वेरी होता रहता है, तो बेस्ट डील देख कर आप इस स्पीकर को परचेज कर सकते हैं। हालांकि ये स्पीकर मैंने 1000 रुपीज में लिया था। और यहाँ पर आप इस पबजी बैंड को देख रहे होंगे, ये एक्चुअली में एक वॉच है जिसको यहाँ पर टैप करने पर टाइम शो हो जाता है। इसको मैं पहनकर दिखा देता हूँ।
और इसमें एक मैग्नेट मिलता है इसको लॉक करने के लिए। और ये वॉच वाटरप्रूफ भी है। अगर आप इस वॉच को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताओ कि ये स्पीकर आपको कैसा लगा। मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।